हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया लिस्ट वन एंड लिस्ट टू को मैच करना जहाँ पे लिस्ट वन में हमें टाइप्स ऑफ क्रॉस दिए हुए हैं एंड लिस्ट टू में उनके फिनोटिपिक रेशियो दिए हुए हैं सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है एंड हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा फिनोटिपिक रेशियो ऑफ

सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम पहला बात करें, तो वहां मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखा हुआ है। सो so अगर क्रॉस की रेशियो की बात करते हैं सो दैट विल बी थ्री इज टू वन क्यों बिकॉज यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये है क्रॉसिंग ऑफ इंडिविजुअल्स दैट डिफर ओनली इन वन ट्रेट और जीन तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज डिफरेंस इन ओनली वन ट्रेट जैसे कि बोला मोनो हाइब्रिड इसका मतलब सिर्फ एक ही ट्रेट में डिफरेंस रहेगा फॉर एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं कि एक प्लांट या तो टॉल हो सकता है या डॉफ हो सकता है सो so, उस केसेस में हम लोग बोल सकते हैं कि एक ही ट्रेड टॉल एंड डॉफ जिसमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हम लोग यूज करते हैं फॉर डोमिनेट एंड रेसिस्टिव रेस्पेक्टिवली सो इस तरह हमारा ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया नाउ अगर हम लोग बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की तो वहां पे दो ट्रेट्स लेते हैं जिसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा फिनोटिपिक रेशियो उसके लिए हो जाता है नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग वी हैव इंडिविजुअल्स विथ टू ट्रेट्स दो तरह के ट्रीट्स इन्वॉल्व है लाइक like अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की तो उसमें दो ट्रीट्स कौन से हो जाएंगे प्लांट का कल, सीड कलर ले सकते हैं एंड सीड का साइज ले सकते हैं या तो वो राउंड है या रिंकल्ड है एंड अगर हम लोग कलर की बात करें तो इधर इट इज येलो और ग्रीन सो so, अगर इस तरह का को कोई क्रॉस होता है जिसमें दो ट्रेड्स मिले हुए रहते हैं फॉर पर्टिकुलर थिंग तो हम लोग उस चीज को बोल सकते हैं इट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे दैट इज इनकम्पलीट डोमिनेंस तो यहाँ हमारा फिनोटिपिक रेशियो इज वन इज टू टू इज टू वन एंड ये जो डोमिनेंस है ये ऐसे सिचुएशन को रेफर करता है वेयर वी कैन सी वी हैव इसका जो फो होता है दैट वी कैन से वो इंटरमीडिएट रहता है इंटरमीडिएट का मतलब है कि ना ही वो फर्स्ट पेरेंट या सेकेंड पेरेंट को डिटरमाइन करता है दैट मीनस दैट इज इंटरमीडिएट उनके दोनों कैरेक्टर्स के बीच में रहता है सो so यहाँ पे हम लोग एंथ्रीनियम प्लांट का एग्जाम्पल ले सकते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उनके कलर अगर फ्लावर कलर की बात करते हैं तो उसमें क्या देखें हम लोग कि एक पेरेंट का फ्लावर रेड कलर का होता है दूसरे पेरेंट का फ्लावर व्हाइट कलर का होता है एंड वेन बोथ ऑफ देम आर क्रॉस तो उसके इसमें क्या हम लोग को दिखता है कि उसका जो एफ वन जनरेशन है वो पूरा ही डिफरेंट वीनो टाइप रहता है दैट इज पिंक कलर का रहता है सो दैट इज द रीजन हम लोग बोलते हैं कि इसमें होता है कि इंटरमीडिएट होता है बिटवीन द टू फिनोटाइप्स एंड लास्टली अगर हम लोग बात करते हैं डी दैट इज टेस्ट क्रॉस की so, test cross में क्या होता है कि हमारा रेशियो क्या हो जाता है इसमें क्या होता है breeding of an individual is involved. जिसके लिए हम लोग बोल सकते हैं इन दिस इंडिविजुअल रहता है इट हैज अननोन जीनोटाइप उनका अननोन जीनोटाइप रहता है दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें हमारा रेशियो वन इज टू वन रहता है बट हमें ये याद रखना है कि ये जो जीनोटाइप रहता है उनका उसमें डोमिनेंट फिनोटाइप होना चाहिए विद होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल तो किन किन बातों का हमें इसमें ध्यान रखना होता है इज दैट इट शुड हैव अ डोमिनेंट फिनोटाइप एंड दे शुड बी होमोजाइगस उनके बीच में ही हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म कर सकते हैं सो दिस वे बोल सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन ए जिसमें है ए का करेक्ट मैच थ्री बी का करेक्ट मैच फोर है सी का करेक्ट मैच टू है एंड डी का करेक्ट मैच वन है हो पी एव इंडस्ट्री वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू